हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कारलेट विच और लोकी के बाद और दो नए रूमर की, और ये रूमर है डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस पर और बड़े बजट के वेब सीरीज। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ये रूमर आई थी कि हमें शायद स्कारलेट विच और लोकी पर एक पूरी वेब सीरीज देखने मिलेगी, जिसके शायद टोटल 8 से 10 एपिसोड होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद इस रूमर को कंफर्म कर दिया गया कि हमें सच में लोकी और स्कारलेट विच की एक वेब सीरीज देखने मिलने वाली है, जिस वजह से हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में पता चलेगा। तो ये कदम किस लिए उठाया गया है? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डिज्नी कई सालों से सुपर हीरोज पर फिल्में बना रहा है, और हर एक फिल्म में सुपर हीरोज की ओरिजिन कई हद तक बिल्कुल सेम ही लगेगी। यानी वही हीरो की ओरिजिन, फिर एंट्री होगी विलन की, जिसके बाद हीरो विलन्स को हराएगा और फिर फिल्म खत्म, और अगले पार्ट में हीरो ने क्या क्या झेला, ये सारी चीजें हमें उस फिल्म में दिखाई जाती है। लेकिन अब कैप्टन मार्वल फिल्म से केविन फैगी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो सुपर हीरोज की फिल्मों पर आगे काम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अगर एमसीयू में नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो वो उसकी ओरिजिन बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखाएंगे, क्योंकि एक ही चीज अगर एमसीयू बार बार करता रहेगा तो लोग इससे हो जाएंगे बोर, क्योंकि सभी चीजें बार बार सेम ही होगी। ऐसे में हमारे सामने आई ये खबर कि स्कारलेट विच और लोकी पर एक वेब सीरीज बनेगी। अब ये दोनों वेब सीरीज साथ में है या अलग, इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है, बस कंफर्मेशन ये की गई है कि इन दोनों पर वेब सीरीज बनेगी। और इसी बीच एक और रूमर आई है निक फ्यूरी की। जी हाँ, निक फ्यूरी के लेकर फिलहाल तो रूमर चल रही है कि हमें निक फ्यूरी पर एक वेब सीरीज देखने मिलने वाली है। तो शायद इस वेब सीरीज में हमें ये दिखाया जाए कि निक फ्यूरी फिर से शील्ड के एक एजेंट बन गए हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें एवेंजर्स में क्लियर होने वाली है, जिस वजह से शायद हो सकता है कि शील्ड भी वापस आ जाए। ऐसे में इसकी वेब सीरीज को आगे कंटिन्यू करना एक बहुत ही अच्छी बात होगी, और लोग शील्ड के बारे में और भी जानना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि हमें शील्ड के बारे में और जानकारी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में मिलने वाली है, क्योंकि उस फिल्म में भी हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल नजर आएगी, और डेफिनेटली स्पाइडरमैन का शील्ड वाला स्पाइडर सूट भी है, जिसके बारे में हमें पता चला सेट की लीक इमेजेस की वजह से। खैर, अब आ जाए दूसरी वेब सीरीज पर। तो दूसरी वेब सीरीज है हॉकाई की। जी हाँ, हॉकाई पर भी एक वेब सीरीज बनाने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ब्लैक विडो की एक सोलो फिल्म आने वाली है। ऐसे में हॉकाई जैसे बड़े कैरेक्टर को पीछे रखना, मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं गलत होगी। इसलिए एमसीयू ने भी ये डिसीजन ले लिया है कि वो हॉकाई पर एक वेब सीरीज बनाएगा, जिसके बाद हमें हॉकाई की भी काफी अच्छी डिटेल मिलेगी कि उसने अपने पास्ट टाइम में क्या किया था और अब वो प्रेजेंट में आगे अपने आप को कंटिन्यू कैसे रखेगा एज अ रॉनिन। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमें हॉकाई का लीगो का लुक भी देखने मिला है, और इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि फिल्म में हॉकाई का लुक ऐसा होगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स 4 की, जहाँ पर अब तक ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि फिल्म में हॉकाई रॉनिन बनेगा या नहीं, लेकिन सेट इमेजेस लीक होने की वजह से ये सारी डिटेल भी हमें पता चली है। तो अब आपकी क्या राय है इन सब खबरों के बारे में, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।